फैजल भाई का दूसरे राउंड का दूसरा पेज चढ़ेगा है ना, नीचे की तरफ से विशाल सर की दिखा रहे हैं। अच्छी खासी मेहनत करते हुए कैसा इस बार हवा बढ़िया चल रही है? मजा आ गया भाई, हमारा टारगेट था एक ग्रुप को 31 तारीख को पूरा करना है। अच्छा। हम टारगेट लेकर चलते हैं, वो कर दिया टारगेट पूरा जी। अब नहीं एक बी चालू है कल। ओके नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर बरेली, ऊपर से राइट हैंड साइड स्क्रीन की तरफ से जयपुर। बहुत बढ़िया पेज काटा MM काइट क्लब जयपुर ने, बास काइट क्लब जयपुर को। जयपुर वर्सेस मुरादाबाद का ये पेच है आपकी स्क्रीन पर। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर मुरादाबाद, वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पतंग है जयपुर की। मुरादाबाद को एक पेच काटना है और जयपुर को दो पेच काटने हैं। देखते हैं जयपुर वाले पेच को रोकते हैं या फिर बाहर हो जाएंगे। मुरादाबाद वालों ने काफ़ी अच्छा खासा लास्ट में गेम बदल दिया है, दे सकते हैं। पतंग बाहर निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ लेकर आए हैं मुरादाबाद वाले। पेस थोड़ा सतह पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जयपुर वाले। थोड़ा सा अंदर दिखाते हुए मुरादाबाद ने वहीं पे पतंग की रोकी हुई है बलों पे, थोड़ा सा अंदर दिखाया पतंग को। जयपुर वालों ने मुड्डा एक वहीं बाहर की तरफ दिखाया है, पतंग अंदर की तरफ लेके आते जा रहे हैं मुरादाबाद वाले। दोनों पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑल का पेज लड़ेगा अगर जयपुर काट देती है तो। देखिए पतंग को रोक के रखा, बिल्कुल बाहर दिखाया, मूवमेंट बढ़िया, ये पतंग को रोका अंदर की तरफ, बेहतरीन पेज करा और लाजवाब पेज काट दिया यार, बहुत ही बढ़िया पेज काटा खिलाड़ी ने, पूरा गेम बदल दिया लड़के ने। जयपुर वर्सेस कानपुर का पेज, नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं, पेज काटा शेख ब्रदर कानपुर को जयपुर ने। जयपुर ने बढ़िया पेज काटा नीचे की तरफ से राइट हैंड, नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर पेज है जयपुर वालों का, ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर कानपुर। पेज सही हो चुका है, जयपुर वालों ने काफ़ी बढ़कर रखे है। जयपुर को एक पेज काटना है, कानपुर को दो पेज काटना है राउंड क्लियर करने के लिए। बल दिखाया टांग लिए पतंग, अरे बढ़िया पेज काट दिया राउंड क्लियर करते हुए जयपुर। बढ़िया पेज काटा तरफ से पेजर, पेज ये रहा इनका स्क्रीन पर। नीचे की तरफ से पेज लड़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पेजल, और ऊपर से पेज लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन पर चिंटू कार्तिक। दोनों बढ़िया खिलाड़ी है, देखते हैं कौन किसको रोक पाता है। चलिए गद्दा मारा चिंटू ने, बिल्कुल स्ट्रेट गद्दा मारा, बल चेंज किया, बाहर की तरफ दिखाया हल्का सा ताकत से, फिर ये गद्दा उतारा, पूरी ताकत से गद्दा उतारा भाई। बहुत ही बढ़िया पेज काटा फैजल ने, लाजवाब बढ़िया पेज काट दिया। नीचे की तरफ से पेज चढ़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे फैजल, ऊपर की तरफ से जो पतंग आ रही है राइट हैंड साइड स्क्रीन पर, ऊपर की तरफ से पीच है, ऊपर से पीच चढ़ा रहे हैं प्लेयर गुलबॉस रोहित, नीचे से पीच चढ़ा रहे हैं फैजल लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर। भाई सोच समझ कर पीच चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर भारी की तरफ खींचा बॉस ने, बहुत प्यारा पीच काट दिया बॉस ने ताकत से खींच कर फैजल भाई को। नेक्स्ट डे जयपुर वर्सेस जयपुर, नीचे की तरफ से लड़ाएंगे विक्ट्री काइट क्लब और ऊपर की तरफ से लड़ेगी रोशन काइट क्लब। जयपुर वर्सेस जयपुर और दोनों टीम का सेकेंड राउंड चल रहा है। नीचे की तरफ से फैजल बने हुए हैं विक्ट्री काइट क्लब से, जिन्होंने पहले 5 पतंग काट दी थी कंटिन्यू, देखते हैं इस बार क्या जलवा दिखाएंगे। रेंज तकरीबन है 700 मीटर, हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी खासी है, ऊपर से नीचे उतारने का पेज कैंसल।
चलिए अंदर लेकर आए। पेज काफ़ी बड़ा हो चुका है दोस्तों। ये फिसल अंदर जगह बनाते हुए लेकर आ रहे हैं। वहीं पर ऊपर रुके हुए हैं प्लेयर। वापस रिपीट कर देता हूँ, नीचे की तरफ से लड़ा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे फैजल विक्ट्री काइट क्लब जयपुर से, ऊपर से पेच लड़ा रहे हैं। राइट हैंड साइड स्क्रीन पे रोशन काइट क्लब से जयपुर, जयपुर वर्सेस जयपुर का मैच है। सेकंड राउंड है और फर्स्ट पेच है दोनों का। पेच सही हो चुका है। फैजल अंदर जगह बनाए हुए हैं। मुड्डा बनाया, खींचने के मूड में पतंग को ताकत से बनाया, फिर अंदर बनाया। वहीं पे पतंग को देखिए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फैजल काफ़ी अंदर तरीके से भर के आ चुके हैं, भर के बिल्कुल खींचाई का पेच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया और सोच समझ के पेच चढ़ाया जा रहा है। देखिए पूरी पतंग उतार दी है, पेठे पर पेच चढ़ाया, पतंग रोकी, भारी तरह मुड्डा दिखाया खींच के। फैजल ताकत से भागी तरफ खींची, उन्होंने अंदर खींच दिए ताकत से, और ये पेच काटा लाजवाब फैजल ने, बढ़िया पेच काटा फैजल ने। चढ़ा रहे चिंकारा बरेली एमएम काइट क्लब से, ऊपर की तरफ से पेच चढ़ा रहे हैं बिट्टू भाई, बढ़िया खिलाड़ी है दोनों। पेच ये रहा इनकी स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, अब फोकस आ चुका है पेच पर। ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जयपुर, वैसे ही नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर एमएम काइट क्लब बरेली। दोनों खिलाड़ी लाजवाब हैं। जयपुर को दो पेच काटते हैं, वहीं पे बरेली को एक पेच काटते हैं। काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, बिट्टू भाई जगह नहीं दे रहे हैं उन्हें, दे सकते हैं आप। बहुत सोच समझ के टेक्निकल पेच चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पेच कवर करना बहुत ज़रूरी है जयपुर को। पेच देखने वाला है, बिट्टू भाई बहुत सोच समझ के पतंग उतारी है, दे सकते हैं। और ये लाजवाब पेच काट दिया लड़के ने, बढ़िया पेच काट, राउंड क्लियर करते हुए लाजवाब। दूसरा पेच काटते हुए विक्ट्री गाइड तरफ से, नीचे तरफ से फेजर बने हुए, जयपुर से जयपुर का मैच है। नीचे से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर विक्ट्री गाइड क्लब, वैसे ही ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर बने हुए रोशन गाइड क्लब जयपुर, जयपुर वर्सेज जयपुर का मैच है। रेंज है तकरीबन प्लेयर से 600 मीटर ऊपर से पेच चढ़ाया राम जी। नीचे से फेजा भाई जगह बना के लेके आ रहे हैं, पतंग उतारी बल दिया, फिर से पतंग ताकत उतारने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया पतंग उतारी है। देखते हैं होना क्या है, पेच पतंग उठा लिया फेजा भाई, थोड़ा सवर करके पेच बढ़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर अंदर की तरफ जगह बना के लेके आ रहे हैं। काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, इस बार शायद तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए पतंग दबाने की कोशिश कर रहे हैं फैजल भाई, क्लियर कोशिश कर रहे हैं, और ये ताकत से कदम मारा और ये पेच काटा फैजल भाई ने लाजवाब। नीचे की तरफ से पेच चढ़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर फैजल, ऊपर की तरफ से पेच है राइट हैंड साइड स्क्रीन पर रोहित बॉस रोशन काइट क्लब, ऊपर की तरफ से पेच चढ़ा रहे हैं जिसमें प्लेयर हैं गोली बॉस, और नीचे की तरफ से बने हुए हैं विक्ट्री काइट क्लब से फैजल। जयपुर वर्सेस जयपुर का मैच है, तीसरा पेच लड़ते हुए विक्ट्री काइट क्लब ने दो काटे, बाहर की तरफ गद्दा दिखाया बॉस ने, फिर ताकत से पूरी तरह से फाड़ दिया, और यही फैजल भाई ने ये पट मारा अंदर की तरफ, बढ़िया पेच काट दिया भाई फैजल ने, लाजवाब पेच काटा गोलू बॉस को, पेच काटा फैजल भाई ने लाजवाब। राइट हैंड साइड स्क्रीन पर गोलू बॉस, ऊपर से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर रोहित, बढ़िया पेच है, दोनों बढ़िया खिलाड़ी हैं। जयपुर वर्सेस जयपुर का मैच है, ऊपर से विक्ट्री काइट क्लब, नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर रोशन काइट क्लब जयपुर, पेच सही हो चुका है। कौन है
बढ़िया पतंग है, दोनों सोच समझ कर पेज चला रहे हैं, इम्पोर्टेंट पेज। बस आसमान नहीं दिखा रहे, नीचे रखे हुए हैं पतंग को। चलिए रोहित ने पतंग थोड़ी सी नीचे उतारी, गद्दा मारा गुल, बहुत थोड़ा सबर करके पेज चढ़ा रहे, भागी तरफ दिखाया पतंग और रुकी पतंग, पूरी ताकत से बाहर खींचा और ये पार्टी में ले लिया। बढ़िया पेज काटा रोहित ने, नीचे से मुरादाबाद, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे, ऊपर से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेज है लखनऊ का, और तरफ से पेज आ रहे साइड स्क्रीन पे रामपुर का पेज सही हो चुका है। लखनऊ की पता नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे एक पेज काट चुके हैं जुबेर भाई, जेबू भाई सॉरी, और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे बने हुए रामपुर, दोनों काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। बढ़िया पेज है ये देखने वाला, हवा की स्पीड बहुत बढ़िया, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए पतंग को दिखाया गया बाहर की तरफ, फिर रामपुर वालों ने पतंग को वहाँ बचाया, फिर गद्दा मारा बचाने के मूल में रामपुर वाले, जो वो पतंग को बचा रहे हैं। बहुत नीचे पेज लेकर आ चुके हैं, पेज खतरे में हो सकता है, ये पतंग बाहर निकाला, झटके मार दिए, बढ़िया पेज काट दिया वापस झटक के, ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जयपुर, नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है बीकानेर से। सही हो चुका है, रेंज तकरीबन 700 मीटर, हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी, बाहर निकलता हुआ दिखाया, पतंग को रोका बहुत बढ़िया, बीकानेर ने भी रोक दी पतंग को। देखिए अंदर के बल है, बल नहीं ले रही है जयपुर की पतंग, थोड़ा सा खतरे में इस बार, देखते हैं क्या होना है, चेंज करा कुछ ना कुछ तो मूवमेंट नहीं कर रही है पतंग, पेज बहुत खतरे में है। बढ़िया पतंग बना कर लेकर आ रहे हैं, पर थोड़ा मूवमेंट कम कर रही है पतंग, पेज खतरे में भी हो सकता है क्योंकि बीकानेर की पतंग थोड़ी सी आगे है, जिसका बेनिफिट फंसा कर ज़्यादा मिलता है। बल चेंज कर दिया, पेज खतरे में आ गया, देखते हैं होना क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, अब ये किस्मत का पेज लड़ चुका है, कौन एंड टाइम पे क्या कर देगा जिसकी वजह से अच्छा पेज हो जाए। बहुत खतरे में था वैसे ही पेज, बीकानेर ने पेज काटा बढ़िया, बीकानेर ने काटे ना जयपुर का, नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे कलकत्ता वालों का, कलकत्ता वालों ने एक पिच काट दिया जयपुर का भी। रेंज तकरीबन 700 मीटर, हवा की स्पीड कम से कम 18 प्लस, नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे कलकत्ता, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेज जो लड़ा रही है वो जयपुर है। ऊपर इधर से सुशील काइट क्लब जयपुर, गद्दा उतारा, बल देखे सीधा नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं जयपुर वाले। चलिए मेरे हिसाब से सीधे क्रॉस वाला पेज उड़ाएंगे, और किस्मत देखिए भाई, बढ़िया पेज मिल गया,
पेज जाया हो गया कलकत्ता वालों का, मगर पेज मिल गया जयपुर वालों का। नीचे की तरफ से पेज चढ़ाएंगे रोशन काइट क्लब के। कार्तिक जयपुर वर्सेज जयपुर का मैच है, ऊपर से पेज चढ़ा रहे हैं रोहित विक्ट्री काइट क्लब से। रोहित ने नीचे से बुलाया रोशन काइट क्लब वाले मेमो को। कार्तिक नीचे आ चुके हैं, बढ़िया हवा भी है, रेस तकरीबन 600 मीटर एज सही हो चुका है। पट कर लिया कार्तिक ने बहुत जमीन पे, देख सकते हैं ताकि ये प्लेयर नीचे सतह पे पिच उड़ाए। कार्तिक ने पतंग ऊपर दिखाई आसमान में, पेज बहुत सीरियस पेज चाहिए वाला। भैया दोनों टीमों से गुजारिश है पेज लगाने की कोशिश करें, पेज सही हुआ है, ध्यान रखें मेरे भाई। बाहर निकालो कार्तिक, ज़्यादा ऊपर हाइट नहीं दिखा रहे थे, थोड़ा सोच समझ के पेज उठाएंगे। वही रोहित ने देखिए गद्दा मारा बाहर की तरफ, दिखाया ताकत से रोकी पतंग को, फिर ताकत से गद्दा मारा बाहर की तरफ, कार्तिक ने अंदर खींचा, रोहित ने झटक दी पतंग। बढ़िया पेच काट दिया यार, लाजवाब बिटने से पेच काट दिया। ये कोनो 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 कहां है मेरे यार, सुना हेलो नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे गुलू बॉस तैयार है, ऊपर से पेच उड़ा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे रोहित, दोनों रोहित हैं, एक लड़ा रहे रोशन काइट क्लब से, एक लड़ा रहे विक्ट्री काइट क्लब से। विक्ट्री काइट क्लब से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे ऊपर की तरफ से पेच है, और रोशन काइट क्लब नीचे से लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन पे, नीचे की तरफ पतंग उतारी है। इनका एक आखिरी पेच है रोहित गोलू बॉस का, कट मारा अगेन। जयपुर के सब बढ़िया खिलाड़ी हैं जी। ये चाचा हमारे, चाचा क्या नाम है अपना? अमित चाचा। अमित चाचा, सेम दाऊद, दाऊद प्रकाश शाहिद, कैसा चल रहा है मौसम? बढ़िया, पतंगबाजी अच्छी हो रही है, टूर्नामेंट जिस हिसाब से होना चाहिए उसी हिसाब से टूर्नामेंट हो रहा है जी। बहुत ही आनंद ले रहे हैं सभी लोग, दिखाओ जरा एक बार मैदान को। मैदान दे सकते हैं, बढ़िया मैदान है, हवा फर्स्ट क्लास है जी। जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना बढ़ करके टूर्नामेंट सफल होता नजर आ रहा है। टीम कैसे आ रही है? टीम एक से बढ़कर एक टीम आई है जयपुर में, प्रदेश की भी और वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब ये तो खेल का मैदान है, जो जितना उन्होंने दिखाएगा उतना आगे जाएगा जी। ठीक है, शुक्रिया आपको। हमारे लियाज भाई आ गए, कैसे हो? बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया। ये हमारे सुरेश भैया हैं। सुरेश भैया कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। कैसा चल रहा है गेम, ये बताइए आप? बढ़िया लग रहा है, हवा अच्छी है, मैदान भी अच्छा है, टीमें भी अच्छी है, टूर्नामेंट भी बढ़िया हो रहा है। टूर्नामेंट बहुत दिनों बाद आप मैदान के अंदर आए हो मेरे हिसाब से, तो 6-7 महीने बाद। जयपुर की नंबर वन काइट शॉप कृष्णा, बहुत बढ़िया। और पेच मतलब प्रदेश कैसे आई है? बढ़िया है यहाँ पे सब, बढ़िया एक से एक बढ़कर सारे प्लेयर आ रहे हैं। अच्छे और भी आएंगे, अभी आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऊपर की तरफ से पिच आ रहे हैं रोहित, नीचे से पिच उड़ा रोशन काइट क्लब जयपुर, जयपुर वर्सेज जयपुर का। विक्ट्री काइट क्लब को दो पिच काटने नेक्स्ट राउंड के लिए। दोनों टीमों तो जा रही थी, आपका पेस नहीं हुआ है, पेस लाने की कोशिश करें, आपका पेस नहीं हुआ है, ध्यान रखें।
और वो दूसरा वाला ये नीचे से लड़ा रहे हैं, ऊपर से पेज लड़ा रहे हैं रामपुर वाले। गोल्ड भाई क्रिस की वीडियो बना रहे हैं, इस तरह से क्रिस आउट ना हो जाए। चलिए इनका पेज दिखाते हैं वापस। यहाँ से पेज लड़ा रहे हैं कार्तिक अपना लास्ट पेज बिंदास होके। बढ़िया प्लेयर है। इस तरफ से पेज ला रहे हैं रोहित विक्टर गाइड क्लब से। तैयारी मिल चुकी है, पेज चाहिए रहे इनके स्किन पे। चलिए डायरेक्शन समझ लेते हैं। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्किन पे आए हुए हैं कार्तिक रोशन गाइड क्लब से। वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है रोहित के विक्टर गाइड क्लब से। सही हो चुका है, एक बार पेज कैंसिल हो चुका है। बढ़िया खिलाड़ी दोनों आसमान दिखाते हुए बाहर निकाला। पतंग हल्की सी नीचे वाले की थोड़ी सी ख़राब है, हवा तेज़ होने की वजह से बार बार ब्लर हो रहा है। काफ़ी तेज़ हवा भी आ चुकी है। चलिए गद्दा उतारा, बहुत सोच समझ कर ये मुट्ठा चेंज करा बल देखे। पतंग टहला रहे और ये गद्दा मारा थपकी। बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया रोहित ने राउंड क्लियर करते हुए विक्ट्री गाइड खिला। बहुत बहुत मुबारक हो। समीर भाई एम्पायरिंग कर रहे हैं रामपुर वर्सेस लखनऊ का। गुल्ली भाई आ रहे हैं हमारे। दोनों पतंगे बाजे पे लगा ले मेरे भाई। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर जिन्हें दो पेज काटने हैं और ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे मुरादाबाद जिन्हें सिर्फ एक पेज काटने राउंड क्लियर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। बढ़िया पिच मुरादाबाद ने काटा, जयपुर की टीम बाहर। कितनी बार हमें तो खेचरी कौन ले जा रहे हैं भाई। इधर बैठ जाओ, थोड़ा पीछे पीछे जाओ यार। रुक जाओ रुक जाओ। भैया पे जल्दी देख ले एक बार। विक्ट्री गाइड क्लब का तीसरा राउंड और मुरादाबाद का तीसरा राउंड। चलिए नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो मुरादाबाद की है और ऊपर से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर की पतंग है। जयपुर से प्लेन लड़ा रहे हैं फैजल विक्ट्री गाइड क्लब से। चलिए पतंग उतारी, पतंग उतारने के लिए कह रहे हैं। बढ़िया खिलाड़ी दोनों। मुरादाबाद वर्सेस जयपुर का ये मैच है। हवा की स्पीड काफ़ी अच्छी रेंज 300 मीटर। इसके बाद पेच लड़ेगा लखनऊ वर्सेस रामपुर। बढ़िया खिलाड़ी है रामपुर और लखनऊ के दोनों, उनका भी पेच दिखाएंगे अभी आपको। ऊपर की तरफ से जयपुर बढ़ते हुए जगह बना रहे। चलिए गद्दा बनाया, हाँ रिफिल भैया। बहुत सोच समझ के पेच लड़ाया जा रहा है, ये काफ़ी समय हो गया इस पेच को। बढ़िया पेच बनाते हुए जयपुर गद्दा मारा, रोका पतंग को, फिर पतंग को उठाई। बढ़िया पतंग है, बढ़िया खिलाड़ी है। चलिए अंदर दिखाया, जगह बना के लड़ाएंगे पेच। देखिए पतंग उतारा, क्लियर दिखाया बाहर। बहुत बढ़िया, पूरी ताकत से बाहर ले गए। मुड्डा चेंज करा, डबल पेच करने की कोशिश करिए। अंदर दिखाया मुरादाबाद ने, टाइमिंग पर पेच चेंज कराया। पट मारा,
तेज मार मारा तो तेज मार तेज पूरी ताकत से भाग ये पलट के चेंज करा मुरादाबाद ने कट गए जेब बढ़िया पेच काटा यार बहुत अच्छा काटा यार विशाल ने पेच काटा विशाल ने बहुत ही बढ़िया पेच काटा लाजवाब ऑल इंडिया टूर्नामेंट में भीड़ देखिए कितनी लाजवाब भीड़ है भयंकर भीड़ भयंकर भीड़ ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर बहुत सोच समझ के पेच चढ़ाए जा रहे हैं गद्दा मारा पतंग को बाहर की तरफ दिखा रहे हैं पूरा बाहर लेते जा रहे हैं बल दिया फिर ताकत से बाहर खींचा बहुत ही क्लासिक पेच चढ़ाया जयपुर वालों ने पतंग को पलट के मारा बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया कलकत्ता ने लाजवाब भारी पतंग से लास्ट में झटकते हुए काटा इतने सारे पेच लड़ रहे हैं मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ पहले सुन रहा हूँ किसने पेच काटा किसने नहीं फिर उसके बाद बता पा रहा हूँ पेच मिक्स हो गए हैं तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे नीचे की तरफ से लड़ाएंगे रामपुर अभी बहुत ही बेहतरीन पेच काटा रामपुर वालों ने क्रीज के अंदर आ चुके हैं चलिए इनका पेच दिखाता हूँ मैं आपको नीचे की तरफ से जो आप पेच देखेंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर रामपुर और ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो अभी आपको पता दिख रही है वो है लखनऊ रामपुर वर्सेस लखनऊ का पेच है ये लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर नीचे की तरफ से रामपुर ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर पतंग है लखनऊ वालों की बढ़िया जवाब देते हुए रामपुर लखनऊ को बलों पर रखी है पतंग रेंज है तकरीबन 700 मीटर चलिए गद्दा उतारा लखनऊ वालों ने पतंग को बचाया झूठा करा पहले रामपुर वालों ने बहुत सोच समझ के कमेंट्री करनी पड़ रही है मुझे क्योंकि पीछे से जो माइक में बोला जा रहा है थोड़ी उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है चलिए काफ़ी टाइम लग गया इस पेज को चलिए लगातार एम्पायर डिसीजन दे रहे हैं समय को ध्यान रखते हुए पेश लड़वाना है रोकी पतंग को दोनों ने बल्ब पतंग रोकी है बढ़िया पेच काट दिया रामपुर का पेच काटा लखनऊ ने कलकत्ता वर्सेस जयपुर का पेच नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो कलकत्ता लड़ा रहे हैं नीचे की तरफ से वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पतंग है जयपुर के सुशील गाइड क्लब से कलकत्ता वालों ने सीधा पतंग दिखाया बिल्कुल स्ट्रेट खींचते गए रोका नहीं भाई बिल्कुल ताकत से बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया यार लाजवाब पेच काट दिया भाई मुरादाबाद के लिए पेच के लिए फोर्स कर रहे हैं ये आए हैं हमारे कलकत्ता से भाई जी भैया क्या नाम है आपका हमारा नाम है इशराक इशराक कप्तान है आप जी कहाँ से कोलकाता हाजी लाइन क्रिकेट क्लब हाजी लाइन क्रिकेट क्लब अच्छा तो अभी कौन कौन प्लेयर लड़ा रहे हैं अपने शारिक अरे हमारे शफकत भाई अच्छा इधर आइए शफकत भाई कैसे हैं आप जी भाई अलहमदुलिल्लाह यहाँ का वेदर कैसा है वेदर बहुत ही अच्छा है अच्छा बहुत ही मस्त वेदर है अभी आपका स्कोर क्या चल रहा है हमारा स्कोर है 5-3 का
दो पतंग से आ गए हैं। अच्छा, किस क्लब से? अपना जयपुर का न्यू कोहिनूर है। न्यू कोहिनूर, सुशील, सुशील, न्यू कोहिनूर, उसमें सुशील नाम है। अच्छा जी, हेलो भैया। हेलो जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम हुआ शफकत। अच्छा जी, यहाँ पे कैसा लग रहा है? अच्छा, कैसा लग रहा है वेदर यहाँ का? हाँ, यहाँ का वेदर मस्त है भाई जी। भाई थोड़ा सा हवा का दिक्कत है, मगर हवा भी आई जाता है। आएगी, हवा आएगी जी। सर जी, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। हेलो फ्रेंड्स। जी भैया। हेलो जी, कप्तान कौन है अपने में से? मैं संजय। जी भैया, बताइए सर। गाइड क्लब बीकानेर। बीकानेर से? यस। अपने मेंबर का एक बार नाम बता दीजिए, कौन कौन लड़ा रहे हैं अभी? महेश ओझा। हेलो भैया। हेलो, कैसा लग रहा है यहाँ का वेदर जयपुर का? वेदर का बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का जी। अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ, अच्छा मैदान है जी। शंभू दयाल। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, होप आप लोगों को बढ़िया लग रहा है। मज़ा आ रहा है जी। अच्छी हवाएं, अच्छा जयपुर, अच्छा सब कुछ, ग्राउंड वगैरह सब अच्छे हैं जी। अच्छा लग रहा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है भैया। हाँ जी, ग्राउंड बहुत अच्छा है। और भी अच्छी है, वेदर भी अच्छा है जी। ये हमारे वकील साहब हैं हमारे। हेलो। हेलो भैया। छोटे वकील साहब। कैसे? छोटे वकील साहब, बस बढ़िया सर, आप बताइए। बस फर्स्ट क्लास, ग्राउंड बहुत अच्छा है यहाँ पे, और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है, खाना पीना सब अच्छा है जी, और ग्राउंड अच्छा है। बाकी थोड़े से क्या पेड़ वगैरह है तो ठीक है, बाकी अच्छी चल रही है, पेज अच्छी रेंज पे लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी, खाना और सब अच्छा दे कमेटी ने, कमेटी ने खाने की, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कन्हैयालाल जी ने जो प्रदेश के लिए जो किया है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन किया है, शुक्रगुजार हैं हम उनके। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी है, बहुत अच्छा एटमोसफियर रखा है यहाँ का जी, जो खिलाड़ियों के बीच में रहता है बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं लग रहा है कि हम प्रदेश में आए हैं, बिल्कुल में लड़ा रहे हैं ऐसा लग बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, मतलब बीकानेर में तो क्या एकदम खुला है। हाँ, पर यहाँ पे थोड़ा सा है, वो तो सिटी के हिसाब से रहता है, सिटीज के हिसाब से रहता है। एक बार मैं भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का ग्राउंड दिखा देता हूँ, देखिए बहुत ही शानदार, काफी दूर है पेड़ ऐसे तो, ये आज हवा थोड़ी सी इस तरफ है, थोड़ा पेड़ इन्हें परेशान कर सकते हैं, बाकी इस तरफ की हवा में इन लोगों को मजा आ गया था। चलिए, हवा तो चेंज होती रहती है, हवा का खेल है। ओके भैया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। हेमंत भैया बीकानेर से हैं। हेमंत भैया, आपकी कौन सी क्लब लड़ रही है? मेरी टीम है RG07। RG07, कौन कौन मेंबर लड़ा रहे हैं बता दीजिए। मैं लड़ा रहा हूँ। हाँ जी, ये फिरोज भाई। हेलो फिरोज भाई, काफी लोग बाग जानते हैं इनको, फ्रेम पे। हाँ जी, वो हमारे साजिद भाई। हाँ, ऑल इंडिया ऑल जब राजस्थान हुआ था उन्होंने भी काफी अच्छे पे लड़ाए थे जी। तीन, हम तीन लड़ा रहे हैं और चौथा नाम अभी देखते हैं नेक्स्ट राउंड कब होगा उसके हिसाब से। अच्छा, ठीक है। हेलो भैया। जी भैया, कैसा लग रहा है यहाँ का वेदर? बहुत अच्छा जी। पतंगला सर जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा शफीकुर रहमान जी। कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से, कौन सी क्लब है अपनी? सुपर भारत काइट क्लब। सुपर भारत काइट क्लब, अच्छा, कौन कौन से खिलाड़ी लड़ा रहे हैं अपने? हमारे साथ जावेद साहब लड़ा रहे हैं जी। कौन कौन है बताइए? जावेद साहब है। हाँ, इन्होंने बहुत बढ़िया पेच भी लड़ाए थे। हाँ जी, साकिब साहब है। हेलो शाकिब भैया जी, हमारे इमरान कदीरी है। हाँ जी, बहुत अच्छी पतंग बनाते हैं। बनाते भी हैं, बढ़िया है। अच्छा, तो यहाँ का वेदर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया तो अच्छा है। हाँ जी, आगे देखेंगे क्या होता है, थोड़ी और हवा मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। है, हम जैसा भी देख रहे हैं अच्छा देख रहे हैं। हाँ जी, अब हमारे पीछे क्या हो उसको कुछ नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि टीम का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो आगे रास्ता बहुत है। हाँ, वही दिक्कत है जी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके भैया, ऑल द बेस्ट। अभी जाऊंगा, मोहन नहीं लगेगी इसको बाहर। अच्छा अच्छा, ये पास करा के लेके आएंगे, फिर टेप लगा के लेके आएंगे। चलिए, टेप लगा के, हमारी जिम्मेदारी नहीं है फिर। उड़ नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच लड़ा रहे हैं लखनऊ के गोल्डी, ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच है रामपुर का। रामपुर वालों ने एक पेच काट रखा है, लखनऊ ने इनके तीन पेच काट दिए हैं। बढ़िया खिलाड़ी दोनों अपने अपने शहर के। रामपुर वाले पतंग नहीं रख रहे हैं अभी, पेच चढ़ा रहे हैं खिलाड़ी दोनों आसमान में। चलिए, रामपुर वाले ने पतंग उतारा, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करिए, पूरा बाहर दिखाया। पतंग रोक दी, बढ़िया बाहर के चक्कर, बढ़िया पेच काटा रामपुर ने। हाँ रोहित भैया, क्या चक्कर है ये यार? पतंग सही है, डोर सही है,
चलिए मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है। देखिए मुरादाबाद को दिक्कत आ रही थी पहले डोर को लेके, डोर सही निकल गई है, एक पेज काटना है बस जयपुर को, और भीड़ देखिए काफ़ी हो गई है। अब ये पतंग के साइज को लेके कर रहे हैं, पतंग का साइज भी परफेक्ट गया है, पतंग ये रही देखिए फैजल भाई, पतंग ये पतंग है, ये है पतंग देखिए, पांच पेज काट दिए, पांच पेज काट दिए, स्टैंप ये रही, बता रहे नहीं बढ़िया पतंग ये रही, स्टैंप लड़ाने वाले खिलाड़ी ये रहे। क्या दिक्कत आ रही है फैजल भाई? यार वो यूं बोल रहे हैं कि पतंग छोटी है, अब अपन ने नाप की भी दिखा दी, डोर भी चेक करा दी, शब्बू भाई की पतंग है ये रे, खुद शब्बू भाई ये रे, शब्बू भाई की पतंग ये रे, शब्बू भाई पतंग चेक करने में क्या दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, डोर भी सही है, पतंग भी सही है। अच्छा पतंग नपी भी मोड़ लगी है, पतंग बिल्कुल सही है, ओके ओके है, डोर भी ओके है। ये हमारे लखनऊ के प्लेयर आए जी भैया, क्या नाम है अपना? समीर। समीर कौन सी क्लब है? अंबर। अंबर जी, कौन कौन लड़ा रहे हैं अपने प्लेयर? जेबू हैं, हाँ गोल्डी हैं, हाँ हम हैं। अच्छा ठीक है भैया, एक तो आप हैं, ठीक है। तरफ से लड़ाएंगे कलकत्ता, ठीक है, कंटिन्यू एम्पायरिंग कर रहे हैं ये हमारे भाई बेचारे, बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी है, दोनों तरफ से तैयारी है, नीचे की तरफ से लड़ा रहे हैं कलकत्ता, चलिए डायरेक्शन चलूँगा, नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे है कलकत्ता, वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेश लड़ा रहे हैं जयपुर, दोनों खिलाड़ी लाजवाब। चलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, नीचे पेश लड़ाए कलकत्ता वालों को, लगातार कमेंट्री करती है, पेस थोड़ा सा ऊपर लड़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो ऊपर जयपुर की टीम लड़ा रही है उनको मारने का भी मौका मिले। चलिए कलकत्ता ने ऊपर दिखाया पता, बाकी तरफ ताकत से खींचा, और ये जयपुर ने बाहर खींचा, और लाजवाब पेज काट दिया लड़के ने कलकत्ता ने, बढ़िया पेज काटा कलकत्ता ने, ये पेज काटा है, ये रे खिलाड़ी लड़ाने वाले भाई और सलमान भाई, कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है जयपुर का वेदर? बहुत अच्छा जी। अभी कौन सी क्लब से आपका मैच है जयपुर में? ओ सॉरी रामपुर का हार्ले है भैया, हार्ले रामपुर की हार्ले से जी। अभी क्या मतलब स्कोर क्या चल रहा है अपना गुल्ली भाई? स्कोर है भैया 6-3। 6-3 का स्कोर चल रहा है, तीन किसने काटे? तीन रामपुर ने काटे, 6 हमने काटे। चलिए ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। लग तो वही रहा है, क्या चक्कर है यार? नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे शब्बू मुरादाबाद से, बढ़िया खिलाड़ी लड़ाते हुए, थोड़ा समय लेट हो गया। चलिए पतंग दिखाया, अंदर की तरफ दिखा के पतंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उलट कर बाहर ही खींचेंगे जहाँ तक मेरा चांसेस है। बढ़िया पेच काट दिया। हेलो एवरीवन, ये एमएम काइट क्लब जयपुर से बढ़िया खिलाड़ी हैं सब के सब। चलिए मैं एक बार इनका इंटरव्यू करवाता हूँ जी भैया, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल अन्नू। मनीष। संदीप भाई। संदीप जी देखिए अपनी कौन सी क्लब से गेम है? मून नाइट लखनऊ। मून नाइट लखनऊ से। अच्छा आप अपने अभी ट्रॉस जीता है? हाँ जी जी। अपनी टीम का कप्तान कौन से है? कप्तान गुडी है। अच्छा ये कप्तान है, देखिए इन पूरे टीम मेंबर के तीनों सुपरस्टार हैं और चौथे हमारे ये खिलाड़ी हैं। चलिए ठीक है, ओके ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। छोटू भैया पेज किस किस का ये तो बता दो। मुरादाबाद और जयपुर। मुरादाबाद कहाँ से लड़ा रही? मुरादाबाद। कहाँ से लड़ा रही मुरादाबाद? मुरादाबाद नीचे से। नीचे से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मुरादाबाद, ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर लड़ा रहा है पेज। बढ़िया बाकी तरफ खींचा, बढ़िया पता लोग, बढ़िया पेज काट दिया जयपुर ने यार, मुरादाबाद को पेज काटा। मुरादाबाद की टॉप टीम हमारे मोनू भैया जी। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसा लग रहा है यहाँ का वेदर? बेहतरीन। अच्छा आपका वर्सेस में कौन है? हम लोग हैं, शब्बू हैं हमारे। नहीं वर्सेस में, वर्सेस में आपकी जयपुर की लोकल टीम है आपके यहाँ की? अच्छा जस्ट लाइक से बिल्कुल मेल बना के गदा लगाया गया। ये हमारे शब्बू भाई हैं, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं जी। शब्बू भाई यहाँ का वेदर अब बताइए, अब आप
पेच लड़ा रहे हैं, कैसा लगा यहाँ पे? मतलब पहले बहुत शानदार मौसम है यहाँ पर, एकदम बढ़िया जो पतंग लड़ाने का होना चाहिए। अच्छा, मगर हवा का सीन ऐसा थोड़ा कहीं कहीं आपके सामने ही मुड्डा मारो लकी तेज है, छोड़ जाती है हवा। चलिए कोई बात नहीं, वो तो एक दो पेच में होता है, जजमेंट थोड़ा आइडिया लगता है। बढ़िया बेहतरीन मौसम है। हाँ जी, एक नंबर का। अपने तीन खिलाड़ी लड़ा रहे हैं, चार? जी जी, तीन लोग लड़ा रहे हैं अभी, मोनू भाई हम। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं, तीनों ही खिलाड़ी लाजवाब है, बढ़िया मैच इनका देखने में मजा आएगा। कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताइए। जी, अब आपके पेज देखेंगे हम तो, तब होंगे बेहतरीन। यहाँ का वेदर बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और टूर्नामेंट की व्यवस्था? टूर्नामेंट भी अच्छा जी, सारे लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, ओके सर, ऑल द बेस्ट। शबू भैया ऑल द बेस्ट। ओके भैया ऑल द बेस्ट। नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर बरेली, बढ़िया खिलाड़ी ला रहे हैं विक्की, और ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पेश ला रहे हैं जयपुर, लोकेश भैया जयपुर की तरफ से, नीचे की तरफ से बरेली की तरफ से विक्की लड़ा रहे हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं दोनों शहर के, लाजवाब। ये पेज देखने में बहुत मज़ा आएगा। लोकेश भैया जो मोस्टली टेक्निकल के लिए बहुत फेमस है, चलिए देखते हैं इस पेज में होना क्या है। भागी था दिखाया, पूरा गद्दा उतारा, अंदर की तरफ दिखाइए, देखिए दोस्तों थपका पतंग, बढ़िया पेज काट दिया, लाजवाब। बढ़िया पेज, टेक्निकल पेज काटा है लड़के ने, लाजवाब। दोनों बढ़िया खिलाड़ी, एक एक दो दो मुट्ठा रख दीजिए। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आपको पतंग दिख रही है वो जयपुर से लड़ा रहे रोहित विक्की का, बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ से पेच लड़ा रहे लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर मुरादाबाद, चलिए नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर रोहित बने हुए हैं, फिर कंटिन्यू पेच बहुत बढ़िया काटे हुए हैं, मात्र जयपुर को दो पेच काटने हैं, बढ़िया पता ना चाहिए। वहाँ की तरफ ताकत से खींचा, बढ़िया पेच काट दिया, लाजवाब पेच काटा रोहित ने विक्ट्री गाइड क्लब से। आगे बढ़ते हुए सिर्फ जयपुर को अब एक पेच काटना है। ये रहे प्लेयर शहीद भाई, और ये हमारे बड़े भाई, बहुत सुबह से लेके अब तक तगड़ी मेहनत करते हुए एम्पायरिंग करते हुए। ये पिच कैसा काटा इन लोगों ने? शानदार पिच काटा, अच्छा पिच काटा रोहित ने। हाँ जी, रोहित ने अभी तक करीब करीब पांच पेज काट दिए आज के, पांच पेज काट दिए सारे पेज उसी ने काटे, का स्कोर हुआ इनका 8-1 का स्कोर है। चलिए थैंक यू। चलिए पीछे की तरफ से पेज चढ़ा रहे हैं जयपुर, तैयारी तैयार है, फरा बढ़िया प्लेयर है, दोनों भाई कस के बुट्टा रख दीजिए एक दूसरे पे। चलिए डायरेक्शन समझा देता हूँ, नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आप पतंग देख रहे हैं वो है जयपुर की पतंग, और ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच है मुरादाबाद नूर काइट क्लब से। नीचे की तरफ से पेच चढ़ा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर, और ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मुरादाबाद नूर काइट क्लब से। दोनों खिलाड़ी अपने अपने सिटी के बढ़िया है। चलिए ऊंचा पेच करके लड़ाया, चलिए पतंग को रोका, हल्का सा नचा रहे, गद्दा मारा मुरादाबाद ने, फरा ने बाहर ताकत से खींचा है, बढ़िया पेच काट दिया मुरादाबाद ने। नीचे की तरफ से लड़ा रहे हैं सुशील काइट, तैयारी लो, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे तैयारी है दोनों तरफ से, एक दूसरे पे चढ़ के रखिए बुड्ढे, और ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच है कलकत्ता, चढ़ के रखिए ये कलकत्ता वर्सेस जयपुर का पेच। भाई पट करके जरा, पेच सही हो गया है, पेच सही हो चुका है, हवा की स्पीड काफी अच्छी खासी है, ऊपर लगाने की कोशिश करें जरा, जैसे तोड़ी बोल दिया हमारी जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी, पेच थोड़े सतह पे लड़ा है हाँ। नीचे की तरफ से बने हुए हैं जयपुर, ऊपर की तरफ से कलकत्ता वाले चला रहे हैं, भाई भाई नीचे पतंग भी है, नीचे पेड़ भी है नीचे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नीचे से पेज लड़ाएगा मतलब, सत्य पे लड़ाओ पेज को थोड़ा जगह दो, और दोनों को मौका मिले जगह दो आप। चलिए जयपुर वालों को थोड़ा सा ऊपर लड़ाने के लिए कह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, कलकत्ता ने गद्दा उतारा, बढ़िया पता नीचे उतारा, अंदर की तरफ उतारा, चलिए जयपुर वाले थोड़ा सा पतंग नीचे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कलकत्ता ऊपर आसमान में लेके जा रही पतंग को। बाहर की तरफ निकालते हुए कलकत्ता, चलिए पूरा गद्दा चला,
रोका पतंग को, एक बल देके फिर से बाहर मुंह की तरफ चढ़ाया। वहीं जयपुर ने अंदर की तरफ पतंग दिखाई, भाई की तरफ पट मारा ताकत से, बढ़िया पेच काट दिया कलकत्ता ने। कलकत्ता ने पेच काटा भाई। नीचे की तरफ से पेच चढ़ाएंगे संदीप भैया, एमएम काइट क्लब जयपुर, बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। चलिए और ऊपर की तरफ से पेच चढ़ाएंगे मूनलाइट लखनऊ से, देखते हैं कौन सा खिलाड़ी किसको चकमा देके आगे बढ़ जाएगा। चलिए डायरेक्शन समझा देता हूँ, कौन सी पतंग कहाँ से है। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो है जयपुर की, और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो है मूनलाइट काइट क्लब की लखनऊ से। हवा तेज होने की वजह से ब्लर हो गया पेज, थोड़ा सा फोकस में आ गया वापस। चलिए बाहर की तरफ पतंग दिखाया, बाकी तरफ ताकत से खींचा, बढ़िया पेज काट दिया मूनलाइट में जयपुर को। शाहिद काइट क्लब जयपुर, शाहिद काइट क्लब ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे, नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे। भाई पेज ही हुआ, पेज लड़ा नहीं हुई तेरे। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मैंने हुआ मुरादाबाद, ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर। चलिए जयपुर ने गद्दा मारा अंदर की तरफ दिखाते हुए, वहीं पट करते हुए पेज बचाया। चलिए सतह लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुरादाबाद, वहीं जयपुर उनको थोड़ा आसमान दिखा के लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हर पेज टेक्निकल लड़ाया जाता है ताकि एक पेज कवर जरूर कर ले। चलिए मुरादाबाद आसमान, भाई पेज लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पेज सही हो गया भाई। चलिए जयपुर ने पतंग उतारी है, अंदर की तरफ दिखाता हूँ। चलिए बाहर दिखाया जयपुर ने, मुरादाबाद ने बाहर दिखाया। पटवारा बढ़िया लाजवाब पेच काट दिया जयपुर ने, नीचे की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे मुरादाबाद, ऊपर की तरफ से लाइट हैंड साइड स्क्रीन पे पतंग लड़ा रहे हैं विक्ट्री गाइड क्लब के विशाल भाई। ये विक्ट्री गाइड क्लब है जिन्होंने पहला पेच लड़ाया है, कम से कम तकरीबन ये 1100 मीटर का पेच लड़ रहा है। चलिए देख सकते हैं, इससे पहले पतंग भी चेक किए मुरादाबाद ने, पतंग मांझा पतंग दोनों सही है। चलिए मुरादाबाद ने पेच पे पतंग तोड़ दिए, ये देख सकते हैं बहुत ही अजीब तरीके से गेम लड़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। ये पतंग तोड़ी देखिए, खिलाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, ये पतंग तोड़ के फेंक दिए इन्होंने। ये देखिए आगे से बच्चे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पतंग पकड़ ली भाई ने, बढ़िया पतंग पकड़ी है पंडित भैया ने, पतंग पकड़ी है देखिए। देखते हैं जयपुर के बढ़िया खिलाड़ी शुभम भैया पंडित के नाम से पतंग तोड़ के छोड़ दी इन्होंने। चलिए क्या बात हो गई शुभम भैया बताइए। हाँ तोड़ के फेंक दी उन्होंने पतंग, सही हो गया, सही पे तोड़ के छोड़ दी तो कटा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, तो ये तो तरीका गलत है, पर वो आ गया ना उधर कमेटी में बात हो रही है ना, वो देखते हैं। चलिए अन भैया, हाँ जी भाई साहब बताइए कौन कौन कैसे पेज चढ़ा रहा है। भाई साहब टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, और एक नंबर पेज देखने को मिल रहा है यहाँ पे जी, वो जो किलकिल थी वो खत्म हो चुकी है। चलिए जैसे पानी में से अपन कचरा साथ साइड में कर देते ना, साइड में हो गया कचरा। चलिए ठीक है, क्लीन हो गया वो। ऊपर इतना राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मनीष भैया, नीचे से बुलाया लखनऊ को, बढ़िया गद्दा मारते हुए बढ़िया पेज काट दिया लखनऊ को। नीचे से बुलाया था मनीष भैया ने, लखनऊ ने पेज काट दिया, खिलाड़ी ये रहे। बढ़िया पेज काटा, इसको किसने काटा, ये मुरादाबाद ने काटा, किसने काटा ये मुरादाबाद ने। ऊपर की तरफ से पेज लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जयपुर प्लेयर लड़ा रहे हैं लोकेश भैया, बढ़िया खिलाड़ी। नीचे की तरफ टॉप प्लेयर टीम लड़ा रही है लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे बरेली,
बढ़िया पेज काट दिया बरेली ने। चलिए नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर लखनऊ, ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पेज चढ़ा रहे हैं जयपुर, नीचे से लखनऊ की तरफ से प्ले लड़ा रहे हैं जेबू, ऊपर की तरफ से पेज चढ़ा रहे हैं इकबाल जी। ये लखनऊ वर्सेस जयपुर का पेज है, पहला पेज है टन का, देख सकते हैं। चलिए जेबू भाई थोड़ा सा पेज को नीचे लड़ा रहे हैं क्योंकि जयपुर थोड़ा फंसाने के हिसाब से पेज चढ़ा रहे हैं। एम्पायर का डिसीजन आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इकबाल जी ने पेतम ऊपर उठाया, बढ़िया खिलानी है। लखनऊ वर्सेज जयपुर का पेज रिपीट कर देता हूँ वापस, नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आपको पतंग दिख रही है वो है लखनऊ की, और ऊपर की तरफ से पेज लड़ा रहे हैं राइट हैंड साइड स्क्रीन पर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जयपुर की। थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ, बार बार पेज रिपीट होता है, कम से कम ये 4 या 5 बार पेज दोबारा होता है। चलिए नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर पेज चढ़ा रहे हैं जेबू, ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर पेज चढ़ा रहे हैं जयपुर से इकबाल जी। चलिए पेज सही हो चुका है, गद्दा मारा नीचे सत्ता पे पेज चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया पतंग लड़ाई जेबू ने, ताकत से खींच दिया, बढ़िया पेज काट दिया जेबू ने यार। ये लखनऊ वर्सेज जयपुर का पेज था, अच्छा पेज काटते हुए। नीचे की तरफ से जयपुर लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे, ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे मुरादाबाद, गद्दा चलाते हुए अंदर की तरफ दिखाया पेज। चलिए बाहर की तरफ ताकत से निकालते हुए मुरादाबाद, ताकत से खींच दिया और ये मास्टर ने पतंग चेंज करी, बढ़िया पेज काट दिया यार, लाजवाब पेज काटा मास्टर जी ने। ये देखिए बहुत ही प्यारा पेज काटा है अब तक का, क्लासिक पेज। ये था पेज मुरादाबाद वर्सेस जयपुर का, जिसमें जयपुर ने बढ़िया पेज दिखाते हुए काटा, मास्टर जी को भी इनाम मिलाते हुए, बबलू भाई ने इनाम दिया है मास्टर जी को, बेहतरीन पेज काटा वाकई में, तारीफ लायक। नौशाद भाई इनाम देते हुए मास्टर जी को, बढ़िया इनाम पे इनाम मिलता हुआ। दोनों प्लेयर के पेज में, दोनों खिलाड़ियों के पेज में पेज सही होते हुए, मुझे नहीं पता कौन सी टीम क्या है, पेज बहुत फास्ट सही हो गया। चलिए बता दे रहा हूँ कौन सा प्लेयर कहाँ से है, अब ये पेज जो भी काटेगा नीचे आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। नीचे की तरफ से लड़ा रहे हैं जयपुर लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे, और ऊपर की तरफ से पेज है राइट हैंड साइड स्क्रीन पे। मुरादाबाद का पेज है, बढ़िया पेज काटा मुरादाबाद ने। लाजवाब पेज काटा मुरादाबाद ने जयपुर को। नीचे की तरफ से पेज लड़ाएंगे रोहित, मुरादाबाद को काटने के लिए सिर्फ एक पेज लड़ाना है रोहित को, अगर ये पेज काट देता तो मुरादाबाद बाहर। ये मुरादाबाद कोई हल्की टीम नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक टीम है, जिसने एक पेज से पूरा गेम बदल दिया था और थर्ड राउंड पे इनसे फाइट कर रही है विक्ट्री गाइड क्लब से, बहुत ख़तरनाक टीम है मुरादाबाद की। और एक आखिरी पेज बचा हुआ है मुरादाबाद का, चलिए इनका पेज दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आप पतंग देख रहे हैं वो जयपुर की है, विक्ट्री गाइड क्लब से प्ले लड़ा रहे रोहित, वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेज है मुरादाबाद का। मुरादाबाद वही टीम है जिसने एक से पूरा गेम बदल दिया था। चलिए देखते हैं रोहित ये पेज काटते हैं या फिर मुरादाबाद काट के रोक लेती, बाहर की तरफ खींचा ताकत से, बढ़िया पेज काट दिया मुरादाबाद ने, लाजवाब मुरादाबाद ने ये पेज काटा है। पीछे की तरफ से पेज चढ़ाएंगे अजीत भैया, जिनका पेज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था किसी कारणवश, किसी का कॉल आ गया था। चलिए इनका पेज दिखाता हूँ, बढ़िया खिलाड़ी जयपुर शहर के, और इनका मैच है बरेली की टॉप टीम से। चलिए नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पर आए हुए हैं जयपुर, और ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर जो आपको पता दिख रही है वो है बरेली वालों की। चलिए अजीत भैया ने ऊँचा दिखाया पेज को, बाहर की तरफ पट मारा, देखिए बढ़िया साथ साथ में उठा दिया, क्या जजमेंट का पेज है देखिए,
इन्होंने पेच अभी जो काटा था बढ़िया पेच काटा था, लाजवाब। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच लड़ा रहे हैं अजीत भैया, जयपुर के बढ़िया खिलाड़ी। मतलब ये कि नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच है जयपुर का, वैसे ही ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच लड़ा रहे हैं बरेली वाले। बरेली की टॉप टीम है जिसमें मैं अभी आपको टीम का इंटरव्यू भी कराऊंगा, जिन्होंने ऑल इंडिया ऑलरेडी जीत रखा है। चलिए अजीत भैया का पेच आसमान दिखाते हुए पूरा पतंग फरे पे छोड़ गया। चलिए सकते बहुत ही लाजवाब पेच लड़ाते हैं अजीत भैया, इनका इतना बढ़िया पेच था, अभी किसी कारणवश किसी का कॉल आ गया जिसकी वजह से वो पेच मिस हो गया। अब मैं जो ये पेच रिकॉर्ड कर रहा हूँ एयरप्लेन मोड पर डाल के ताकि पेच मिस नहीं हो। फर्रे पे पूरी पतंग छोड़ रखी है, अंदर की तरफ दिखाया, बढ़िया पेच काट दिया बरेली वालों ने। नीचे की तरफ से मूनलाइट क्यों क्यों हो गया, मैंने दूर से देखा भाई को, मैंने कहा लेडीज भी खड़ी हुई है बेटा, कवर करके रखना पड़ता। बढ़िया पेच काटा मनीष भैया ने, लाजवाब गद्दा मारा मूनलाइट काइट क्लब को मनीष भैया ने पेच काटा। नीचे की तरफ से राइट हैंड साइड स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं मुरादाबाद से प्ले लड़ा रहे हैं भैया, बढ़िया खिलाड़ी हैं। ऊपर की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे पेच है जयपुर का, पतंग इनकी ये रही देख सकते हैं आप, बढ़िया खिलाड़ी है अच्छे पेच लड़ाते हैं। चलिए देखते हैं भाई तब दिखाया पतंग को पटवाना, सो समझ के पेच चढ़ाया जा रहा है, थोड़ा डायरेक्शन गलत है क्योंकि खाना खाते समय मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, बाहर तक से कीजिए। अरे बढ़िया पेच काट दिया है आज आपको ने, बढ़िया पेच काटा तारीफ लाइक। चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट जीतू भैया से क्या राय है। जीतू भैया क्या कमी रही मुरादाबाद की, कमी क्या रहा, पेच टूट गया उनका। अच्छा पेच टूट गया, पेच टूटा। देखिए बिल्कुल एक्सपर्ट राय, मैंने कहा था ना, बताया इन्होंने पेच टूटा। कैसे हैं आप, बढ़िया दे सकते हैं क्या जजमेंट बताया, थैंक यू।